जब झारखंडियों को क्लर्क, किरानी और चपरासी भी नहीं बना सकते तो कद्दू छीलने के लिए झारखंड अलग किया, जयराम। मौत की सियासत से युवा पीढ़ी नहीं करना चाहता राजनीति की शुरुआत, डुमरी की जनता वोट के लिए है स्वतंत्र। चतरा शहर के नगवा मोहल्ला स्थित बाबा घाट मैदान में झारखंड भाषा खतियान संघर्ष मोर्चा का बदलाव संकल्प महासभा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में संघर्ष मोर्चा के अगुआ जयराम महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने केंद्र में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड बने 23 साल हो गए, लेकिन झारखंड सरकार ने यहाँ के स्थानीय लोगों को सिर्फ बोका बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि यदि महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, बिहार बिहारियों का है, तो फिर झारखंड भी झारखंडियों के बाप का है। झारखंड सरकार के नियोजन नीति पर हमला बोलते हुए जयराम महतो ने कहा कि यदि झारखंड सरकार झारखंडियों को क्लर्क, किरानी, सिपाही, मास्टर और चपरासी की नौकरी भी नहीं दे सकता तो फिर झारखंड कद्दू छीलने और घंटा बजाने के लिए अलग किया है। झारखंड में अब तक नियोजन नीति नहीं बनाए जाने पर जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ सरकार के श्रम नियोजन मंत्री सह स्थानीय विधायक सत्यानंद भोक्ता को भी आड़े हाथों लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि यदि झारखंड में 1932 के खतियान नाए चलतव तो 2024 में EPM भी नाए चलतव। उन्होंने 2024 में सरकार बदलने का संकल्प उपस्थित लोगों से कराया। उन्होंने कहा कि चतरा के लिए शर्म की बात है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई भी स्थानीय सांसद यहां से नहीं बना। यहां की मिट्टी ने वैसा एक भी नेता पैदा नहीं किया जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके। उन्होंने उपस्थित लोगों से 2024 के चुनाव में यहाँ की मिट्टी के किसी बेटे को सांसद चुनने का आह्वान किया। जयराम महतो ने कहा कि झारखंडियों को केंद्र और राज्य सरकार एक साथ लूटने का काम कर रही है। विकास योजनाओं के नाम पर केंद्र सरकार ने झारखंड के गरीब किसान आदिवासियों का जमीन लूटने का काम किया, वहीं झारखंड सरकार झारखंडियों की नौकरी बिहार व यूपी वालों के हाथों में बेचने का काम किया। उन्होंने कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं है। झारखंड में स्थानीय नियोजन व्यवस्थापन नीति लागू कर विकास की योजनाएं चलाएं, बनारस से कोलकाता तक नहीं बल्कि बनारस से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेसवे बनाएं, लेकिन विस्थापित होने वाले किसानों को जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए। झारखंड सरकार योजना के नाम पर सोना सोबरन धोती साड़ी योजना चला रही है। सरकार अपनी धोती साड़ी अपने पास रखें, झारखंडियों को उनका हक नौकरी दें। झारखंड के लोगों के साथ अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड के लोग मात्र 2 पान गुटखा का मूल्य 10 का सहयोग संघर्ष मोर्चा को करें। संघर्ष मोर्चा झारखंड के सभी सांसद विधायकों को बदलने का काम करेगी। चतरा के बाबा घाट मैदान में झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति ने कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से परमिशन मांगी थी, लेकिन कार्यक्रम के अंतिम समय तक जनसभा कार्यक्रम के लिए प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं दी गई। लेकिन इसके बावजूद जयराम महतो ने बगैर प्रशासन की अनुमति के कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग जिले के विभिन्न प्रखंडों से कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे थे। छात्र नेता जयराम महतो ने डुमरी उपचुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम और हमारी युवा पीढ़ी मौत की राजनीति से अपनी सियासत की शुरुआत नहीं करना चाहती। डुमरी का सीट किसी के निधन से खाली हुआ है, अगर भ्रष्टाचार के कारण खाली हुआ होता तो हम वहाँ निश्चित तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 2024 का निष्पक्ष चुनाव है। 2024 के चुनाव में हम पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चतरा प्रखंड में पहला और चतरा जिला में कुल मिलाकर तीसरा है, और यहाँ आने का कारण था बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं आई हैं जो लगातार जमीन अधिग्रहण कर रही हैं, तो जन जागरूकता के लिए आए हैं और साथ ही साथ 2024 का चुनाव होगा उसके लिए निवेदन करने आए हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं, केंद्र को हम लोग ये प्रश्न करेंगे कि विस्थापन नीति कहाँ है उसके नाम पर वोट किया जाएगा। आज मान के चलिए, तो मुझे थोड़ा बात को रखने का मौका दीजिए। आज अगर 321 गाँव फील्ड फायरिंग रेंज में, 67 गाँव भारतमाला प्रोजेक्ट में, 12 गाँव रेल परियोजना में, इतने गांव अगर भारी मात्रा में विस्थापित हो जाएंगे तो इतनी बड़ी आबादी को कहां शिफ्ट करेंगे। दूसरी बात, जो भारतमाला प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो बनारस से कलकत्ता जाएगी, तो ये सड़क किसके लिए, एक सवाल हम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बनारस से कलकत्ता मेरा घर तो चाची होते हुए बरवड्डा होते हुए जा चुकी है, जो लगभग 1200-1300 किलोमीटर है, ये 600 किलोमीटर का होगा। तो ये दूरी बचाना, समय बचाना किसके लिए? कोई किसान उस पर अपनी गाड़ी लेकर नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट से नहीं, पूंजीवाद। तो क्या भारत के संविधान में कहीं पूंजीवाद का जिक्र है? जी नहीं, भारत के संविधान प्रियम्बल में समाजवाद का जिक्र है। अतः हम देश में जो हुक्मरान बैठे हैं उनको हम यही कहेंगे, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। आपको जमीन चाहिए ना, लीजिए ना भाई, किसने मना किया है? हमको जमीन के बदले जमीन दे दीजिए, क्योंकि आप जो पैसा हमको देंगे, मान के चलिए कहीं 3000 रुपया डिसमिल लगा है, अगर 3 लाख प्रत्येक एकड़ में, यानी 5 एकड़ में 15 लाख, अगर हमको पूरा जमीन मेरा चला गया योजना में, हमको 15 लाख मिला,
तो अगर हम रांची टाउन, हजारीबाग टाउन या कहीं जाके नया घर खरीदेंगे तो कम से कम 3 लाख डिसमिल, यानी हम और दोबारा 5 डिसमिल भी जमीन नहीं ले पाएंगे उस पैसे से। तो मानवता की सोची जाए, क्या हमेशा कॉरपोरेट की सोची जाएगी, हमेशा अडानी अम्बानी की सोची जाएगी, मानवता की सोची जाए। और केंद्र को सबसे पहले बेहतरीन विस्थापन नीति हो, और है भी तो झारखंड के लिए क्यों नहीं है, एक बेहतर नीति हो, जितना भी जमीन लिया जाएगा उनको विस्थापित किया जाए, उनको 5 किलोमीटर की दूरी में बसाया जाए, जहां सरकारी ज़मीन है या फिर जो ग्रामीणों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ऐसे ज़मीनों में बसा जाए, हम इसकी मांग करते हैं। आप आम चुनाव में भी आएंगे? जी हाँ, मुझे लगता है जब रासलीला करने वाले लोग विधायक होते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो हम लोग तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, छात्र हैं, संविधान की धाराओं को पानी की तरह पीते हैं, जीते हैं, उसके साथ सोते हैं, हमें आना चाहिए। देखिए डुमरी उपचुनाव, चूंकि मेरा मानना है हम लोग 2024 की रट लगाए हैं, 24 यानी पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, तो उपचुनाव एक ऐसा समय खाली हुआ है जब किसी का देहांत हुआ है, हम लोग नहीं चाहेंगे युवा एक ऐसी सीट से अपना उद्घाटन करे जहां किसी की मृत्यु हुई। अगर भ्रष्टाचार पे भेंट चढ़ता सीट हम लोग आते हैं, वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, वो कहीं ना कहीं मृत्यु का मामला है, हम लोग मृत्यु पर कदम रख के अपनी राजनीति की शुरुआत नहीं करेंगे। समर्थन हम लोग न्यूट्रल हैं, हमारे जनता जनार्दन को सीधा संदेश होगा कि 7-8 महीने का कार्यकाल बचा है, आप नोटा में जाएं, तीसरे के साथ जाएं, चौथे के साथ जाएं, जिसके साथ जाएं, 24 में हम लोग मजबूती के साथ आएंगे, और बकायदा जो उत्तरी छोटा नागपुर है डुमरी उसका केंद्र इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, उसके बाद जनता को राय सुमारी के लिए सौंपेंगे कि आप क्या चाहते हैं। देखिए स्थानीय सांसद नहीं होने का कारण क्या है कि हमारे लोगों की जो मेंटिलिटी है, हमारे लोग कभी पॉलिटिक्स को सोचते नहीं, बिजनेस को सोचते नहीं, उसी का दुष्परिणाम है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन गैर राज्यों के, बड़े बड़े एमपी जहां है वो गैर राज्यों के सभी हैं। हजारीबाग के एमपी हमारे नहीं, धनबाद के एमपी हमारे नहीं, गोड्डा के एमपी हमारे नहीं, रांची के एमपी हमारे नहीं, चतरा वाले हमारे नहीं, पलामू के हमारे नहीं, 6 जब हमारे नहीं तो झारखंड में 14 सीट है भैया। पार्टी का गठन कर लेंगे आप? चूंकि दादा हम लोग अभी अंकुरित हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र हमारे ऊपर है, तो इसलिए हम अंदर खाने तैयारी शुरू कर दिए हैं, और जब भी मैदान में आएंगे भूचाल मचाते हुए आएंगे और बेहतर तरीके के साथ आएंगे, बकायदा आप लोग का आशीर्वाद है, हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। कुल चतरा सबसे पहले है, केबीसी में सवाल है, चतरा सबसे पहले है, क्या हम इतने खुदगर्ज हैं या हमें इतनी जरूरत नहीं कि यहाँ का बेटा 70 सालों के इतिहास में एमपी ना बन सके? जब एमपी नहीं बनेगा तो नितिन एम कौन बनाएगा, हमारी बातों को संसद में रखेगा कौन? इसीलिए सबसे पहले चतरा में ही होगा, चतरा में ही, बाहरी को स्टॉप, आप आए हैं खिलाएंगे, नचाएंगे, हंसाएंगे, सांसद तो माटी का बेटा को बनाएंगे। कन्नड़ के लिए कर्नाटक, मलयालम के लिए केरल, मराठा के लिए मलास, तो झारखंड यदि झारखंडी का है तो गर्व क्यों हो? पूरा भारत का ठीका हम क्यों ले? ऑल ओवर इंडिया के लिए ऑपरेट क्यों रहेगा हमारी सीटें? पूरे हिंदुस्तान के लोग नौकरी है क्यों करेंगे? हम क्यों करेंगे? करें 10% में करें, 15% में करें, जज बन के करें, डीसी बन के करें, एसपी बन के करें, मजिस्ट्रेट बन के करें, प्रोफेसर बन के करें, चपरासी बन के भी कीजिएगा तो प्रयोग करेंगे, हवादार बन के कीजिएगा विरोध करें, मास्टर बन के कीजिएगा विरोध करें। हमने कभी नहीं कहा है कि डीसी साहब आप झारखंड के नहीं चले गए, कहा है नहीं, क्योंकि डीसी आईएएस होता है, वो पूरे भारत में कहीं जा सकता है, लेकिन अब चपरासी भी झारखंड का आदमी नहीं बनेगा, हवादार जमादार नहीं बनेगा, मास्टर क्लर्क नहीं बनेगा, तो कद्दू छीलने के लिए झारखंड बना था क्या? घंटा बजाने के लिए झारखंड बना था क्या? कदवा मुड़ी खाने के लिए झारखंड बना था क्या? बताइए तो। इसलिए आप झारखंड के लोगों, तुम्हें अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आज लड़ना है। क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? अगर गलत कहेंगे तो टोकिएगा, हमको आपको विभ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है, हम देश के प्रधानमंत्री नहीं है जो कहने आने की है। किया है भाई, कब किया? 35 साल उधर मांगा है, घर चाय बेचा है, घर घर किया, तो कब किया? हमको आपको दिग्भ्रमित करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अगर हम गलत बोलेंगे फिर वैसे टोकेगा, बाबू तुम ये बात गलत बोल रहे हो, हमें आपको दिग्भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है, इस बात को जान लें। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं झारखंड के आवाम के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लोगों के अधिकार के लिए कर रहे हैं, इसलिए आज आपका समर्थन चाहते हैं।
और आपका समर्थन अरे ज्यादा नहीं। अच्छा इधर गुटखा तंबाकू सिगरेट लेते हैं क्या? ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, खाली आप लोग गुटखा सिगरेट नहीं खा लिया ना एक बार तो हम लोग सुनील सिंह को जयंत सिन्हा को सबको पटक के नया सांसद बना। चतरा लोकसभा में वोटर कितना है? 15 लाख तो होगा। लोकसभा में बात कर रहे हैं एवरेज 20 लाख मांगते हैं, हमारा झगड़ा 22 है। हाँ वोटर का बात कर रहे हैं 14 लाख, चले 2-3 लाख बढ़ गया होगा एवरेज। हाँ पूरा झारखंड में जितना लोकसभा है एवरेज 20 लाख, 20 लाख में 10 लाख माई मोसी समझनी के माइनस के अंदर हटाए जाएंगे कि माई मोसी तभी तुम्हें बगल में रहोगे। 10 लाख मार दाना, 10 लाख में यदि 5 लाख आदमी गुटखा, 5 लाख यदि गुटखा खाते हैं 5 लाख तो एक दिन में दूगो 10 लाख गुटखा, एक गुटखा का दाम 5 रुपया तो 10 लाख को फिर 5 से 50 लाख 1825 को दिन भी तो होता है, हैं? तो 50 लाख को 1825 से फिर गुणा कीजिए ना कितना होगा? नहीं यार गुणा कर लिए लेते हैं, मोदी जी नहीं है इन्हें गुणा करते भाई का लड़का 25 को हटा दिया 1800 राउंड फिगर कितना 50 लाख ना 50 लाख तो सबसे पहले 900 करोड़ 900 2 0 है। अरे 18 और 5 है इसलिए 90 दीजिए ना 9 करोड़ है ना, चेक कर लीजिए 9 करोड़ ना ना गुणा करनी है 9 करोड़ रुपया गुटखा खा रहे हैं 9 करोड़ गुटखा खा के थूक रहे हैं। एक बार पानी पीजिए पैसा दीजिए ना पूरा झारखंड में आप लोग को नहीं बदल दिए तो बेकार हो और आप नहीं देते हैं तो बदले में हम लोग भी आपके बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। आप गुटखा खाते हैं उन लोग पढ़ाई लिखाई नौकरी बेच देता है जाते जाते वो छोटा सुधार देते हैं। नौवा दसवा पढ़ना वाला नूनी लोग कौन कौन है? इलेवन ट्वेल्व में कौन कौन नूनी लोग पढ़ती है? तो भाई लोग पढ़ते हैं ना। हाँ स्कूल का ड्रेस कैसा है? है ना हाँ सुनो अब एकदम बहुत इम्पोर्टेंट बात। हाँ दीदी लोग आप लोग भी सुनिए, आप लोग का भी बच्चा होगा स्कूल जाएगा, मैं पुलिस वाला को भी बोल रहा हूँ क्या लगा आपको कि ये केवल ड्रेस है? हरा रंग केवल ड्रेस है? अरबों का सौदा है। कैसे से बताते हैं ये कौन नाम है? कोई तो प्रॉपर नाम होगा ना नरमा हाँ जे भी है यहाँ 2000 लोग तो रहते हैं सबके घर में एक बार चेक कीजिए और देखिए कितना लोग हरा फुल पैंट पहनता है। नहीं पहनता है ना इसका मतलब है कि हरा रंग का जो कपड़ा फुल पैंट है वो प्रचलन में नहीं है। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता पूर्वक सोचिएगा कि हरा रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, यानी गवर्नमेंट जब नहीं आई उसका जो आईएएस है वो किसी मिल के ओनर से मिला हुआ मिल यानी फैक्ट्री जो कपड़ा बुनती है उससे बोला हुआ कि आपको 6 महीना का टाइम दिए आप हरा रंग का कपड़ा तैयार कीजिए। जैसे 6 महीना बीता होगा उस मिल के मालिक ने आईएएस को फोन किया कि सर हरा रंग का कपड़ा रेडी है। आईएएस जाके सीएम या जो भी कपड़ा का जो विभाग है जो शिक्षा का उनको जाके बोला होगा कि सर कपड़ा रेडी है, बोला ठीक है नियम बनाते हैं आज के बाद झारखंड में जितना भी नर्सरी से लेकर 12th तक का कपड़ा का रंग हरा। क्यों पता है? यदि ब्लू रंग बोलते हैं तो ब्लू रंग सबका दुकान में मिलता है, यादव जी का दुकान में भी और मेहता जी का रामसारी जी का दुकान में ब्लू रंग मिलता है। यदि ऐसा रंग को सेलेक्ट किया जो मार्केट में ही नहीं, ये मामूली बात बता रहे आपको कोई नहीं बता रहा मामूली बात जिसको आप सोचे नहीं, एक ऐसे रंग को चूज किया गया जो मार्केट में है ही नहीं। अब देखिए क्या हुआ, मोटा मोटी 20 लाख स्टूडेंट मानते हैं 20 लाख तो होगा ही 20 लाख स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट 1000 रुपए इन्वेस्ट किया 3-0 यानी 2-0 देंगे तो 20 करोड़ 1 करोड़ देंगे 2 अरब, थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लीजिएगा 2 अरब एक टाइम में 5 साल रिपीट कीजिए
10 लाख के हम डकार मार लिए, हाई रंग खाली कपड़ा का रंग बदल के, और हमको पता ही नहीं चला दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। तो अब हम समझाते हैं, मान के चलिए 2024 में कोई नया सरकार आए, बीजेपी के झंडे में कोई नया सरकार एक सौ नाम लेते हैं, आप उसको भी अगर कपड़ा में पैसा पैसा खाना है वो क्या करे पता है, पीला रंग का फुल पैंट पहन है, पीला में पहन है पीला रंग, यानी यदि 24 में भी गवर्नमेंट को पैसा खाना है वो पीला रंग का फुल पैंट बोलेगी, पीला रंग, पीला रंग के ड्रेस सुने हैं, पीला रंग का कुर्ता देखे हैं, लेकिन कंपनी सौगा होगा 6 महीना का टाइम होगा 7वां महीना पीला रंग, ये है घोटाला, पढ़ा लिखा लोग को भेजेगा ये पैसा बच जाएगा, इसको योजना में लगा लगा सकते हैं ना, एक मामूली सा बात है, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगला साल गुलाबी के पहनता है गुलाबी फूल पहन भाई, हाँ यदि सरकार को फिर घोटाला करना है तो 2029 में गुलाबी कपड़ा के ध्यान देना, इन लोग खुश है मेरे हरा पीला नीला पहन रहे हैं, इसको पता नहीं कपड़ा में भी अरबों रुपए का घोटाला होता है। तो यही है पावर ऑफ एजुकेशन, इसलिए पढ़े लिखे को नेता बनाइए, छोटा छोटा बात है तो बोला था ना, एक एक सेक्शन के धारा को पुर्जा पुर्जा खोल के पी जाएंगे। आप चूंकि मैया उसे तोहनी फूल बोलो कि तोहनी भी सोचिया, घरवा में जाके फुटवा के बारे सोचिया, तोहनी जाके सोचा कि हमारे गोतनिया ऐसे हो, हमारे ससैया ऐसे हो, और लास्ट की बोला था कि जाए भी जैसने वो अपन है, 2 घंटा कहा बात कर लिया, दोबारा सोच के सोचना ही हो तो अपन बारे सोचिया, 2024 में फोटवा के बारे सोचिया, क्या कि तोहनी के फोटवा से तो गांव में बिजली है तो पानी है तो सड़क है तो बच्चों के अच्छा शिक्षा मिल तो अच्छा स्वास्थ्य के फैसिलिटी मिल तो से कहते फोटवा के बारे सोचिया। और तोहनी याद रखिया जितना सुंदर इन नखुआ में लाल रंग के नखपालिश लगवा है ना ओकर से कई ज्यादा सुंदर होती जब तक ब्लू रंग के सिहाई लगे भटवा था, क्योंकि नखुआ के रंगवा तू घटना में चढ़ गए तो वो जिंदगी भर स्कूल में गेलो तो जिंदगी भर याद रखो, क्योंकि भटवा हो जाए तभी स्कूल वाला बनला।